नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। गणेश चतुर्थी के दिन से ही गणेश जी के आगमन के लिए देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती है। बड़े पंडालों सहित घरों में गणेश जी को घर लाने के लिए सभी बहुत उत्साहित रहते हैं और उसके बाद विसर्जन किया जाता है। लेकिन सभी के जहन में एक सवाल जरूर उठता है कि भगवान गणेश आखिर 10 ही दिनों के लिए क्यों आते हैं और 10 दिन बाद ही क्यों उनका विसर्जन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है इसके पीछे की वजह। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश घर घर में विराजते हैं। देश के कई राज्यों में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है, लेकिन कई जगहों पर 1.5 दिन, 5 दिन बाद भी गणपति विसर्जन होता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गणेश उत्सव की धूम महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। दरअसल 10 दिन बाद गणेश विसर्जन करने के पीछे एक खास कारण है जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य भी शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की और उन्होंने कहा था कि अगर वो एक बार लिखना शुरू करेंगे तो उनकी कलम नहीं रुकेगी, कलम अगर रुक गई तो वो लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान, आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध कर दीजिएगा। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक ये चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हो गया तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया था। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। वैसे गणेश उत्सव मन का मैल हटाने का पर्व है। गणेश उत्सव को आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह 10 दिन हमें सहम से रहने और हमारे मन आत्मा पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ करने का समय है। इस दौरान व्यक्ति को अपना अवलोकन करते हुए दूसरे को ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और देखते रहें VK News। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।